नमस्ते दोस्तों, IQ तैयार है अपना IQ G8 सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। IQ G8 सीरीज में दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, IQ G8 और IQ G8X, और कन्फर्म हो गया है ये दोनों ही डिवाइस चाइना में 31 अगस्त को लॉन्च होगा। आज की अल्ट्रा मजेदार वीडियो में हम बात करेंगे IQ G8X से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, प्राइस क्या होगा और ये डिवाइस इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए IQ G8X के सफर में चलें। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो आपको डिवाइस में प्लास्टिक का बैक मिलेगा, प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा और फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिजाइन की बात करें तो रियर के टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल है, जहां पे ड्यूल कैमरा की हाउसिंग है, LED फ्लैश है और नीचे की ओर IQ की ब्रांडिंग है। नो डाउट भाई, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, डिवाइस डेफिनेटली गुड लुकिंग है। फ्रंट में ध्यान देंगे तो सेंटर पंचल कटआउट के साथ फ्लैट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें पतले पतले चिन और बेजल्स हैं। डिस्प्ले की साइज की बात करें तो इसका साइज 6.64 इंचेस का है, जो फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला IPS LCD डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का हाई टच फ्रेमिंग रेट, वाइड 1:1, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 580 निट्स के पीक ब्राइटनेस और यहाँ पे 395 का PPI देखने को मिलेगा। से देखा जाए ना तो डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ा है, लेकिन इसमें कमी ये है कि इसमें आपको एमोलेड का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, और जो 580 निट्स का पीक ब्राइटनेस है ना, आपको इंडोर तो अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन आउटडोर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, शायद आपको बढ़िया से विजिबिलिटी ना देखने को मिले। तो मेरी मानो तो तुम्हें जो डिस्प्ले है ना, काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, लेकिन एमोलेड इसमें सबसे बड़ी कमी है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4nm की फैब्रिकेशन पे बना हुआ काफी ज्यादा पावर फुल प्रोसेसर है। इस वाले प्रोसेसर का मैक्स क्लॉक स्पीड 2.2 GHz का है और इसका जो एंटिटी स्कोर है ना, 500,000 के अराउंड निकल कर आता है, और इसमें 7 5G बैंड्स भी हैं। नो डाउट भाई, स्पेसिफिकेशंस को देखकर पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेसर है ना, आपको 60fps पे गेमिंग काफी ज्यादा बढ़िया से करवा देगा, गेमिंग के लिए बढ़िया प्रोसेसर है। वेरिएंट्स की ओर ध्यान देंगे तो ये डिवाइस 3 वेरिएंट के साथ आएगा, 8GB के साथ 128GB, 8GB के साथ 256GB और 12GB के साथ 256GB देखने को मिलेगा। इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा LPDDR4X रैम टाइप और USB 2.2 का रीड स्पीड, और भाई डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो आपको डेस्क में एंड्रॉइड 13 मिलेगा, जो कि फंटा चॉइस 13 के साथ आएगा। फंटा चॉइस ना देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें कमी ये होता है कि इसमें आपको ढेर सारे ब्लू डिवाइस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप डेफिनेटली हटा पाओगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको स्टॉक एंड्रॉइड के क्लोज एक्सपीरियंस देगा, तो डेफिनेटली भाई आपको सॉफ्टवेयर से अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कैमरास की बात करेंगे ना तो आपको इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो कि सैमसंग के J5 सेंसर के साथ आएगा। और हाँ भाई, प्राइमरी कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, जो सचमुच बुरी बात है। सेकेंडरी कैमरा 2MP का एक बेकार कैमरा है, जो आपके कभी काम नहीं आने वाला है, और आप इस डिवाइस के रियर कैमरा पे 4K वीडियो 30fps पे कैप्चर कर पाओगे, जो सचमुच काफी अच्छी बात है। इसी के साथ फ्रंट में 8MP का शूटर है, जहाँ पे आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो को कैप्चर कर पाओगे। वैसे कैमरा पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बाकी जो दूसरा कैमरा वो तो बेकार है, और फ्रंट में 8MP कैमरा भाई ठीक ठाक है, लेकिन 16MP होता तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे ना तो आपको इसमें 6000mAh का बिग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 44W का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाएगा। 6000mAh का बैटरी होने के कारण ना, ये डिवाइस आपको डेफिनेटली 1.5 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा, और चार्ज खत्म भी होगा तो 44W का फ्लैश चार्जर आपके डिवाइस को काफी ज्यादा जल्दी चार्ज कर देगा। और एक बात भाई, चार्जर को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्म लीक नहीं आया, मतलब कि कुछ सोर्सेस से कहना है कि इसमें आपको 44W का चार्जर मिलेगा, तो कुछ सोर्सेस से कहना है कि आपको इसमें 80W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको इसमें 80W का चार्जर देखने को मिलेगा, 44W का ही चार्जर शायद से आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी सेंसर्स की बात करेंगे तो आपको इसमें सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास, फलाना ढिमकाना, सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें चार्ज करने के लिए USB टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा और साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिलेगा। और भाई कार्ड स्लॉट की बात करें ना तो कार्ड स्लॉट तो भाई डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बस ये पता नहीं कि हाइब्रिड मिलेगा डेडिकेटेड देखने को मिलेगा, लेकिन कार्ड स्लॉट डेफिनेटली मिलेगा। अब आ रही है इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस की। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइस ना 31 अगस्त को चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और चाइना में लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद ये डिवाइस इंडिया में भी आएगा। मेरे ख्याल से ये वाला डिवाइस हम लोग को अक्टूबर या नवंबर महीने में इंडिया में लॉन्च होते दिख सकता है। प्राइस की
की बात करें तो IQ का जो G सीरीज है ना 20,000 के अंदर फोकस करता है, तो इसका भी प्राइस उनको 20,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा। शायद से इसका प्राइस उनको 18,000 या फिर 19,000 देखने को मिल सकता है। वेल ये है IQ G8 5G के सारे लीक्ड स्पेसिफिकेशन। इन सारे स्पेसिफिकेशन को देखिए और आप हमें बताइए क्या ये डिवाइस 20,000 के अराउंड में बढ़िया डिवाइस है या नहीं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना तो भाई ये डिवाइस ना डेफिनेटली 20,000 के अंदर बढ़िया डिवाइस है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, Infinix GT10 Pro। अगर आपका 20,000 का बजट है ना, तब उसी डिवाइस के साथ जाइएगा। बेटर डिजाइन, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर कैमरा के साथ एक अच्छा सा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। Infinix GT10 Pro ना 20,000 के अंदर एक सबसे ज्यादा बढ़िया ओपिनियन है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा दीजिए।